नमस्कार, मैं रिंकू पांतावने और आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 पर। आज गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती सभी देशवासी मना रहे हैं। दर्शकों, सिख धर्म के 10वें धर्म गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष सुदी सप्तमी को सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर पटना में हुआ था और इसी पवित्र दिन को हम प्रत्येक वर्ष गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं। गुरुद्वारे में इस दिन सजावट की जाती है, चारों ओर दीप जलाए जाते हैं और इस दिन को प्रकाश पर्व की तरह मनाया जाता है। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ का पाठ किया जाता है और लंगर का आयोजन भी किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने हमेशा यह उपदेश दिया कि भगवान तक पहुंचने के लिए प्रेम ही एक माध्यम है, तो चलिए उनके कई शब्दों का अनुसरण करके उनको याद किया जाए। गुरु गोविंद सिंह जयंती दुनिया भर में सिखों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का ये प्रतीक है, जो सिख गुरुओं में से एक थे। गुरु गोविंद सिंह जी एक आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, दार्शनिक और कवि थे। घर में उनके विशाल योगदान के कारण उन्हें उनके कई अनुयायियों द्वारा शाश्वत गुरु माना जाता है। इस शुभ दिन पर गुरु गोविंद सिंह जी की कविता सुनकर लोगों ने महान गुरु को याद करते हैं। अधिकांश त्योहारों की तरह इस दिन भी विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। वो इस्लाम में बदलने से इनकार करने के लिए मारे गए थे और इसीलिए तेग बहादुर को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए शहीद माना जाता है। उनके मृत्यु के बाद गोविंद सिंह को एक निविदा उम्र में सिखों का 10वां गुरु बनाया गया था। उन्होंने योद्धाओं की सेना बनाई और अपने लोगों को अन्य शासकों द्वारा उत्पीड़ित होने से बचाने के लिए लड़ते थे। माना जाता है कि 10वें गुरु जी का शिक्षाओं का सिखों पर बड़ा प्रभाव है। वास्तव में उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा के तहत था कि खालसा ने एक सख्त नैतिक संहिता और आध्यात्मिक झुकाव का पालन किया। 1708 में अपने मृत्यु के पहले 10वें गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को स्थायी सिख गुरु घोषित किया। सिख धर्म का पालन करने वाले लोग गुरु गोविंद सिंह जयंती पर अपने 10वें गुरु को याद करते हैं। कुछ स्थानों पर जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस के दौरान बच्चों और वृद्धों के बीच में स्वादिष्ट मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स और शरबत भी बांटा जाता है। इस दिन गुरुद्वारे में जाते हैं और विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित किए जाते हैं और इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।